गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर का पता मुझे दीजिए और एक कागज़ और पेन मैंने आपके हाथ में दे दिया, तो आप क्या करते हो? उसमें आप तस्वीर बनाने की कोशिश करते हो। तो तस्वीर कैसे बनती है? हाउ यू ट्राई टू ड्रॉ द फिगर? यू शो सपोज दिस इज़ माई स्कूल सर, यू गो इन द हियर गेट इज़ देयर, अगेन यू टर्न राइट सर, देयर यू विल सी अ सर्कल, फ्रॉम दैट सर्कल यू गो टुवर्ड्स राइट सर, देयर वन बिग हॉस्पिटल इज देयर, बिसाइड्स दैट हॉस्पिटल अगेन द फोर्थ हाउस टुवर्ड्स द राइट ऑफ द हॉस्पिटल इज माई हाउस। तो अपना घर का पता बताने की कोशिश करते समय आप इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, एक आकृति लेते हो, कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे सर यहाँ स्कूल है सर, स्कूल से ये रास्ता है सर, सीधे आप चले जाइए सर, फिर एक 100 कदम चले जाने के बाद या 200 यार्ड के बाद सर लेफ्ट साइड चले जाओ, वहाँ से एक लाल कलर का बंगला दिखाई देगा और उस बंगले से आप सीधा जाओगे तो वहाँ पर चौथा बंगला मेरा होगा। तो यहाँ पर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप अपना पता, यू आर ट्राइंग टू लोकेट योर सेल्फ योर हाउस, तुम अपना पता को बताने की कोशिश कर रहे हो। मोबाइल्स के अंदर भी आपको लोकेट किया जाता है GPS के मार्फत से, सो यू आर गेटिंग लोकेटेड, तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करते हैं, CID सीरियल में आपने देखा होगा। सो एक्चुअली दैट पॉइंट इज दे आर ट्राइंग टू लोकेट द पॉइंट, तुम कहाँ पर हो उसे ढूंढने का प्रयास वहाँ पर किया जाता है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ पर है ढूंढने का प्रयास किया जाता है। या मोबाइल्स के अंदर आजकल ट्रैकर्स लगे हुए हैं, तो व्हाट डज इट ऑल डज, इट ट्राइज टू लोकेट द पॉइंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हम बोलते हैं GPS। तो वैसे ही किसी पॉइंट को अगर पेपर प्लेन के ऊपर लोकेट करना है, तो टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर परपेंडिकुलर लाइन्स, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल। मोबाइल के अंदर तो GPS सिस्टम होता है सर, यहाँ पर कैसे लोकेट करेंगे? यहाँ लोकेट करना है बच्चों तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की आवश्यकता होती है और एक वर्टिकल लाइन की आवश्यकता होती है, तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन की हमें आवश्यकता होती है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से जो लाइन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है अगर प्लेन के ऊपर, तो हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइन को हम किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो पेपर के ऊपर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो इफ़ यू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ फिगर ऑन द पेपर, वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वन परपेंडिकुलर एक्सिस, इट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसके अंदर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को नाम दिया गया है एक्स एक्सिस और इसको यहाँ पर होगा एक्स डैश। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहा जाता है बच्चों एक्स एक्सिस। तो वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है बच्चों? इट इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। इसको वाई कहते हैं और इसको वाई डैश कहते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द प्लेन वी नीड टू परपेंडिकुलर लाइंस, दैट परपेंडिकुलर लाइंस द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, द परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। और जहां पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स वॉट? द पॉइंट वेयर द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन मीट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप रोड के ऊपर सड़क पे जाते हो तो चौक आता है और चौक से आप देखिए कि चार तरफ रास्ते चले जाते हैं, तो वो चौक जो है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल द फोर रोड्स। हम बोल सकते हैं कि चौक से इस तरफ जाओ, चौक से उस तरफ जाओ, चौक से इस तरफ जाओ या चौक के इस तरफ जाओ। इसी तरह से ग्राफ के अंदर भी आप इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ भी जा सकते हो और इस तरफ भी जा सकते हो। सो द परपेंडिकुलर एंड वर्ड हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ।
और उस प्लेन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन अ प्लेन देर आर फोर पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है पार्ट, क्वाड्रेंट पार्ट। तो ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट वन, या सेकेंड क्वाड्रेंट आप बोल सकते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इस तरह से आपको क्वाड्रेंट जब लेना है बच्चों तो आपको यहाँ से लेना पड़ता है, ये क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको हम, थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सर ये क्वाड्रेंट क्या होता है, सी इन ए ग्राफ देर आर फोर पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। You should always take the quadrant from the this from here you have to start and from then next this is second, this is third and this is fourth. Sir, क्या इसको first लेंगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, no. इसको second लेंगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, no. ये fixed ये rule है और उस rule को आपको compulsory follow करना ही है। तो बाद में जैसे number line आप जानते हो, origin को हम denote करते हैं, ओरिजिन को डिनोट करने का तरीका है ओ, ओ हमेशा। और जैसे नंबर लाइन अगर आपको पता हो बच्चों तो हम नंबर लाइन में क्या करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर इस तरफ आते हैं हम माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। तो ये तो काफ़ी आसान है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है। तो ये नंबर लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरफ की सारी संख्याएं पॉजिटिव होती है, इस तरफ की सारी संख्याएं नेगेटिव होती है। और इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है, ऊपर की सारी संख्याएं पॉजिटिव होती है, ऊपर की सारी संख्याएं पॉजिटिव होती है और नीचे की सारी संख्याएं नेगेटिव होती है, नीचे की सारी संख्याएं नेगेटिव होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। फिर से मैं रिपीट करूं, जब तुम ग्राफ बनाते हो तो सी जस्ट मेरे लेफ्ट तरफ की सारी संख्याएं जो है वो पॉजिटिव है और मेरे राइट तरफ की सारी संख्याएं जो है वो नेगेटिव है, या फिर अगर मैं ऐसे खड़े रहूं तो ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे नेगेटिव हैं, और ये ऊपर वाले सारे पॉजिटिव हैं और ये ऊपर नीचे वाले सारे नेगेटिव हैं। तो उसके बाद दूसरी बात आती है कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है। देखिए आप यहाँ पर भी प्लस वन है, यहाँ पर भी प्लस वन है, यहाँ पर टू है तो यहाँ प्लस टू है, प्लस थ्री है, प्लस फोर है, यानी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज आल्सो पॉजिटिव, y इज आल्सो पॉजिटिव। तो हमेशा x पॉजिटिव और y भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बोथ आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हो तो एक्स की वैल्यू सारे नेगेटिव है और वाई की वैल्यू सारे पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का रूल है कि एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है और वाई हमेशा क्या होता है, यहां पर एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है और वाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, आई एम सॉरी, एक्स नेगेटिव और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो तो आप देखिए फिर से एक बार, एक्स पूरा नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए सारे एक्स पॉजिटिव हैं, सारे वाई नेगेटिव हैं, यानी क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर सेम साइन होते हैं, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस और प्लस होता है। तो दूसरा एक तरीका है, दूसरा एक चीज़ है कि अपसीसा और ऑर्डिनेट, ये दो बातें ग्राफ के अंदर काफ़ी ज़रूरी होती है। अपसीसा का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, और उसको बोलते हैं अपसीसा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट किया,
तो वो पॉइंट देखिए आप, एक्स के ऊपर से 1 है और वाई के ऊपर से कितना है, 2 है। एक्स से एक यूनिट की दूरी पर है और वाई से 2 यूनिट की दूरी पर है। अब देखिए एक्स वाई एक्सिस से एक यूनिट की दूरी पर है और ये 2 वाला एक्स एक्सिस से 2 की दूरी पर है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। फिर से इस बात को मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं, थोड़ा ध्यान देना इस तरफ। देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस से 1 मीटर की दूरी पर है, एक यूनिट की दूरी पर है, बराबर है, तो उसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाई से 1 यूनिट दूरी पर। और आप देखिए ये 2 वाला पॉइंट जो है वो एक्स से 2 यूनिट दूरी पर है, यानी ये इतनी दूरी पर है 2, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी अब्सिसा किसको कहेंगे आप, यहाँ पर आप देखोगे तो ये अब्सिसा होगा, 1 क्या होगा, अब्सिसा, 2 क्या होगा, ऑर्डिनेट, क्या होगा, ऑर्डिनेट। और हमेशा ग्राफ के अंदर एक तरीका होता है कि हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है, उसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिपोर्टिंग अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। जैसे आप देखिए, आप इंडिया में अगर रोड्स के ऊपर घूमते हो तो एक ऑर्डर है कि ऑलवेज कीप लेफ्ट, जब भी आप चलोगे तो लेफ्ट से चलते हो, सो दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया में ऑर्डर है, रूल है, ट्रैफिक रूल है। तो इसी तरह से ग्राफ के अंदर भी एक रूल है और वो रूल, व्हाट इज दैट रूल, ऑलवेज राइट एक्स फर्स्ट एंड वाई नेक्स्ट, एंड व्हाट एक्स यू राइट दैट इज कॉल्ड एज अब्सिसा, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ग्राफ इज कॉल्ड एज अब्सिसा एंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द ग्राफ इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑफ द ग्राफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज अब्सिसा, या एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो। तो ये पॉइंट आप दोनों थोड़ा कन्फ्यूजन के बगैर अब दीजिए, एक हम लोग रिविजन करते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक रिविजन हम कर लेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। तो ये पॉइंट मैंने लिया, तो देखिए बच्चों ये पूरा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो है -2 दिखाई दे रहा है और वाई एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है। तो ये आप इसको ऐसे अगर मैं ले लूँ इस पॉइंट को, तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये पूरा पॉइंट जो है 2 यूनिट दूरी पर है, और यहाँ से आप कोशिश करोगे बच्चों तो ये है कितना है, इट इज़ 3 यूनिट्स, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है, 1, 2, 3, और y एक्सिस से 1 और 2। तो दिस पॉइंट को हम लिखने का सिस्टमेटिक तरीका है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है यानी -2 लिखना है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखना है यानी -3 लिखना है। सो दैट मीन्स व्हाट सर, अब्सिसा क्या होगा, अब्सिसा होगा यहां पर, अब्सिसा होगा -2, ऑर्डिनेट होगा -3। दैट मीन्स y की वैल्यू को आप क्या कहते हो, ऑर्डिनेट, x की वैल्यू को क्या कहते हैं आप, अब्सिसा। अब आती है बात, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इफ द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देन y कोऑर्डिनेट इज 0। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट के बारे में अगर मुझे किसी ने कहा सर ये पॉइंट कितने दूरी पर है, तो ये पॉइंट होगा 5 और 0 पर है। क्यों, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, इट द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस बिकॉज 5 0 है। सर यहां पर है, चलो आप बताइए अभी, सही है 3 0, ये पॉइंट आप बताइए सर 4 0, सही है, ये पॉइंट सर 2 0, इट्स राइट, ये x एक्सिस के ऊपर है, ये बताइए सही है -4 0, कम ऑन टेल मेरे साथ आप करो, ये कौन सा पॉइंट है -5 0, सही है।
So if the point lies on the x-axis, then we say that y coordinate is 0. If the point lies on y-axis, x coordinate is 0. चलो इस पॉइंट के बारे में अगर मुझे किसी ने कहा कि सर इसके बारे में आप बताइए, तो मैं कहूँगा ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है और हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, x है ही नहीं, इसलिए मैं कहूँगा 0 और फिर ये 3. ये 0, 3 बताता है मुझे, इट शोज दैट द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस. चलो थोड़ा आप मेरे साथ रिविजन करोगे, इसका क्या कोऑर्डिनेट है, क्या कहा आपने, 0, 4 सही है. इसके बारे में क्या कहा, 0, 2 कहा सही है. इसका क्या कहा, 1, 0 गलत है. ये क्या आएगा, 0, 1 आएगा. ये क्या है, 0, -1 आएगा. ये क्या आएगा, 0, -2 आएगा. ये ओके कहा कुछ आपने, यस 0, -3 कहा तो सही है. ये क्या कहा आपने, 0, -4 कहा, बिल्कुल सही है. यस 0, -5 फाइन. सो उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ को प्लॉट करने से पहले ये सारी बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए. तो मैं फिर से एक बार रिपीट करके अपने क्लास को यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा. तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए. तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं. ग्राफ हमेशा चार भागों में बंटता है और उन भागों को कहा जाता है 4 quadrants. ईच पार्ट ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड एज quadrant. फर्स्ट quadrant, सेकेंड quadrant, थर्ड quadrant एंड फोर्थ quadrant. फर्स्ट quadrant में हमेशा x पॉजिटिव y पॉजिटिव होता है, सेकेंड quadrant में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, थर्ड quadrant में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ quadrant में पॉजिटिव नेगेटिव होता है. उसके बाद आपको हमने क्या कहा, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका. क्या है वो स्टैंडर्ड तरीका, हमेशा ग्राफ प्लॉट करते समय एक्स कोऑर्डिनेट को पहले दिखाया जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में दिखाया जाता है. तो एक्स वाई जो लिखा जाता है स्टैंडर्ड वे में, उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. आपसी सा का मतलब क्या होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स की वैल्यू जो होती है दैट इज कॉल्ड एज आपसी सा, वाई की वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट. उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि इफ द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन वी विल गेट एक्स 0 एज द कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के ऊपर है तो 0, y एज द कोऑर्डिनेट. तो बच्चों ये सारे बेसिक्स बातें, ये वीडियो मैं आपसे कहूँगा कि जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड में है, जो 7th स्टैंडर्ड में है, जो 9th स्टैंडर्ड में और जो 10th स्टैंडर्ड में है, वो सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं. क्योंकि काफ़ी बार हमने बच्चों को देखा है कि उनको ग्राफ ही प्लॉट नहीं करना आता है, क्योंकि ग्राफ के बेसिक्स उनको पता नहीं होते हैं. तो ग्राफ्स का बेसिक आपको हमेशा पता होना चाहिए. अगर ग्राफ का बेसिक पता नहीं है तो आप इस वीडियो से, मैं दावा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आएगी. तो हमारा अगला वीडियो के अंदर हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट इन द ग्राफ, वी विल सी इट.